त्वादाननुवर्तते मदिः स्वयैव लोके रमतो महामुनेः यथा गतिर्देव मनुष्योः प्रदत् स्वयैव धर्मेण परं चिपेत्सुतः। स्वयैव लोके रमतो महामुनेः वेदवादान्नानुवर्तते, जो स्वामी आत्मरूपी लोक में ही जो रमण करने वाले महामुनि लोग होते हैं, वे वेद के द्वारा वेदों में पठित जो वाद मने अर्थवा प्रशंसा कथन किया, अतएव स्वर्ग आदि की प्रशंसा उनको सुन करके कर्म में उनके मन की प्रवृत्ति कभी भी नहीं होती है। अर्थात ब्रह्मज्ञानियों को कर्म में कोई अधिकार नहीं होता। अतएव ब्रह्मज्ञानियों को देख करके कर्मी उस ब्रह्मज्ञानी की निंदा करने का उसको कोई हक नहीं बनता। इसलिए कहते हैं यथा गतिर दैव मनुष्ययोः, देवता और मनुष्यों को जैसा फल मिला है, देवता को देवलोक में मिल गया, मनुष्य को इस धरती पर मिल गया। क्यों? उनको सर्व सुख संपन्नता है और यहाँ पर बेचारा दुखी परेशान है, दरिद्र बना हुआ है, दिन रात कमाने में लगा हुआ रहता है। ये फल भेद क्यों हुआ? उनका अधिकारी भेद है, उनका पुण्य उनका पाप आदि को देखते हुए जो जिस भोग के अधिकारी है उसके अनुसार उनको व्यवस्था दिया गया है। तद्वत यहाँ पर भी जिसका जैसा ज्ञान है और जिसकी जिसके अपनी कामना है वासनाएं हैं उसके अनुरूप निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग की व्यवस्था है। और निवृत्ति मार्ग में रहने वाला प्रवृत्ति मार्ग वाले को कभी भी निवृत्ति में प्रेरणा नहीं देनी चाहिए और प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाला निवृत्ति वाले को कभी निंदा या प्रतिक्षेप नहीं करनी चाहिए। इसे कहते स्वयैव धर्मे न परम छिपे स्थितः, आप अपने धर्म में स्थित रहिए लेकिन पर का उच्छेद नहीं कर सकते, उसका जो खंडन मंडन करना ठीक नहीं होता। कर्म प्रवृत्तञ्च निवृत्तं नप्यरिदं वेदे इविच्छोभयलिंगम आश्रितं विरोधि तद्योग पदैक कर्तरी दयन्तता ब्रह्मणि कर्म नर्चति। कहते हैं देखो वेदों में दोनों ही बात कही गई है, प्रवृत्ति मार्ग भी निवृत्ति मार्ग भी। ये ना समझो तुम दक्ष तुम कर्म कांड कर रहे हो तो तुम ही बड़े वेद मार्गी हो गए, और जो कर्म को त्याग दिया हो तो वेद को जो त्याग दिया ऐसी बात नहीं है, बल्कि सनातन धर्मियों में वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि वो असली वेद का रहस्य को जान लिया, त्याग नहीं हो मृत तुम मानस, वेद का असली रहस्य है उसको जान करके उसने सफल होता जो कर्मों को परित्याग कर चुका है। ऐसा जो वेद मार्ग श्रेष्ठ वेद मार्गी को तुम गलत समझ करके निंदा करते हो तो गलत है। इसलिए कहते हैं कर्म प्रवृत्तम च निवृत्तम अपि ऋतम वेदे, वेद में दोनों ही बात कही गई बात हम मानते हैं। प्रवृत्तम ने अग्निहोत्रादि, निवृत्तम ने शमदमादि, ऋतम ने सत्यम एव हेतो वेद आश्रितम विहितम, वेद में दोनों के दोनों विहित है। विविक्ष उभयलिंगम, लेकिन इन दोनों की व्यवस्था से आश्रित करना पड़ेगा, दोनों के दोनों सभी के लिए नहीं होता। क्यों? परस्पर विरुद्ध होने के नाते है। प्रवृत्ति राग के अधीन है और निवृत्ति वैराग्य का विषय है। इसे राग और विराग दोनों परस्पर विरोधी वस्तु हैं, अतः दोनों का अधिकारी परस्पर विरुद्ध है, भिन्न है, ये निश्चय हो जाता है। इसे कह दिया विविच्छ उभय लिंगम, अग्निहोत्रम ज्योति एक अलग लिंग है, शांतो दांत उपरदक्ष इत्यादि मंत्रों के द्वारा वैराग्य वाला अधिकारी का वर्णन किया है, दोनों को अलग अलग कहा है। तो निवृत्त कर्म को शिव के द्वारा कर्तव्य है, नैत्यः शिवेना भी कर्तव्यमेव, भले निवृत्ति है इन फिर भी कर्म करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। क्यों? ब्रह्मणी कर्म न रिच्छति, ब्रह्मणी मैंने सदाशिवे किंचित भी कर्म न रिच्छति न प्राप्नोति। विरोधी तत्व योग पद्य एक कर्तृ द्वयम् विरोधी, एक कर्ता में युगपत में एक कालावच्छे देना, दोनों के दोनों नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों विरोधी। और जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसा शिव में कर्म का कोई अवसर ही नहीं हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति एक कालावचन प्रवृत्ति भी करे निवृत्ति भी करे स्थितोपि गच्छति यथा न संभवति।
बैठे हुए जा रहा है, चल रहा है वो, ऐसा कैसे होगा? बैठा है तो चल नहीं सकता, चल रहा है तो बैठ नहीं सकता। यथा स्थिति गति रूप है और विरोधी तथैव निवृत्ति प्रवृत्ति दोनों एक अधिकारी के अंदर एक कालावच्छेदन विरोधी होगा। ये हो सकता है बिना कालावच्छेदन कर लो, कोई दिक्कत। पहला प्रवृत्ति मार्ग था और उसमें देख लिया कर करके थक गया, आवाज फिर भी निवृत्ति मार्ग में आ गया, ये हो सकता है, स्वाभाविक। इसी को परीक्षा लोकान कर्मचितान, इसी को कहा है, उसे परीक्षण करके देख लिया भाई मेरे कर्मचित लोग क्या है, मैं अपने कर्म से प्राप्त किया हुआ इस लोक में कितना सुख है कितना दुख है, क्या है क्या नहीं है, किसी ने कुछ किया और देखा उसने भी धोखा दिया, ये तो होता है ना। आप जिसकी भला करते हैं वही आपको धोखा देता है, इसलिए भगवान ने संसार व्यवस्था बनाया ताकि जब आपको वैराग्य हो जाए, और तब भी वैराग्य नहीं होते तो ऐसे महामूढ़ को तो क्या कहा जाए, धक्का खाए फिर रहा है फिर भी उसकी अकल नहीं सुधर रही है तो क्या कहें। इस संसार के जान के किया हुआ है इस, क्योंकि युगपत्य हो नहीं सकता है, पहले स्वभावत ही ऐसा है, जहां भी शरीर का जन्म होता है गृहस्थी के घर में तो जन्म होगा, सन्यासी के घर में जन्म होगा क्या? तो सन्यासी का तो पत्र ही नहीं, तो कहां से जन्म होना है? सन्यासी के घर, गृहस्थी के घर में जन्म होगा, और गृहस्थी प्रवृत्ति परायण होता है, गृहस्थी तो प्रवृत्ति परायण होगा, अतएव जन्म से आपको क्या संस्कार मिलेगा वो आपको प्रवृत्ति में ही लगाएंगे, मथा टेकवाएंगे, मंदिर में ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, जन्म संस्कार करा देंगे, सब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। वो पूरी कोशिश में लगे रहते कैसे आप शादी करेंगे, बस आपको फंसाने तक उनको चैन नहीं रहता, गृहस्थी का काम है। अब भाग्य है जो उसमें चक्र ना फंस के सन्यासी हो जाता है, वैराग्यवान हो जाता है, विवेकवान हो जाता है, फिर यहाँ पहुंच जाता है तो बात अलग थी। लेकिन पहले तो सभी प्रवृत्ति में ही रहते हैं। दिनकर भट्ट जब बाद में अष्टामलकाचार्य हुए, उनका भी यही कहानी है, माता पिता जन्म संस्कार करा दिए, सब कर दिया, तो क्या करे, उठा के फेंक दिया करो, जैसे आजकल के लोग करते हैं। लेकिन तो ज्ञान ज्ञानी था कि है और आज अज्ञानी कर रहे हैं, इतना अंतर है। इसलिए ये सब जो निरर्थक है, जो उस स्थिति में थे ब्राह्मी स्थिति में, इसलिए उनके लिए सब जरूरत नहीं था। लेकिन दोनों निर योग पद एक कर्तरी दम विरोधी, एक कर्ता में योग पदता पूर्व का विचार करके देखते हैं तो दोनों के दोनों विरोधी होने से नहीं हो सकता। अतः ब्रह्मणी मने शिवे सदा शिव परमात्मा शंकर भगवान में कर्म न रिच्छति, कर्म की प्राप्ति है ही नहीं। अतः उन्होंने लुप्त क्रिया कर तुमने जो कहा है वो उनके लिए शोभा ही है, सन्यासी की यही शोभा है, वो लुप्त क्रिया वाला है, वह उसके लिए दोष नहीं है। माव पदव्य पितरस्मदास्ति था या यज्ञशाला सुन धूम वर्तवी तदन्न तृप्तैर असुभृद भिरीडिता अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविता। कहते कि भाई तुम्हारे तो भाग्य में है नहीं, जो सन्यासियों का सुख और आनंद है वो तुम क्या समझो, धूम मार्ग में जाने को तैयार हो रखे हो पहले से ही हैं? जो धूम मार्ग में चलने को तैयार है उनको उस आनंद का क्या समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आ सकता। जैसे भी संत विचित्र हुए, वो मुंबई चले गए, भगत जगत उनको पकड़ के मुंबई ले गए, जबरदस्ती ले गए, परम विरक्त महात्मा थे, और वहां बहुत बढ़िया करोड़पति का मकान में ले गए, वहां गए तो शौचालय सबरे हुआ, शौचाना है उसको दिखाया, शौचालय शौचालय ही लगता मंदिर जैसे लग रहा है, ये तो शौचालय का, अरे इसी में शौच कीजिए, कमोट है ये, इसमें बैठिए या इसी से पर लाके बैठ जाओ, दिखाया उसने। महात्मा जी तो बैठना जानते थे लेकिन वहां शौच नहीं हुए उनको, ये हमको जंगल ले जाओ भाई, हमको तो जंगल ले जाओ, हमारा लाद वही साफ होता है। अब बेचारा 40 किलोमीटर जाना पड़ा जंगल, मुंबई शहर का बीच में था, जंगल लोनावाला से आगे ले गया, आ जाकर जंगल में छोड़ा, फिर गए अपना डोल डाल होकर के आए, तब फिर वापस उन्हें कहा भैया महाराज आप जाओ, अगर
जान झंझट रोज रोज आपको दो बार कहीं लग गए, तीन बार लग गए तब मुसीबत हो जाए। कैसे हम ले जाए बार बार आपको यहाँ से वहां जंगल ले जाए। क्या पता शहर के लोगों को जंगल में शौच करने का आनंद है। महात्मा क्या जाने के कमोट का आनंद क्या होता। सबका अपना अपना अलग अलग ना स्टैंडर्ड। उधर से यहां पर भी कहते हैं तुम धूम मार के तुम क्या जाने उस आनंद को। मानव पदव्य पितरा हे पिता संबोधन, हे पिता अस्मद आसिता या पदव्य अस्मद आसिता पदव्य मा वह। हम लोगों के तरफ प्राप्त जो पद है ना ब्रह्मानंद पद अभय पद वो तुम लोगों के लायक रही है। वहां युष्माकम न भवती क्यों यज्ञशाला सो धूम वर्त भी। जो यज्ञशालाओं में ही रमन करते हैं और धूम मार्गियों के लिए वह नहीं है। तद क्योंकि आप लोग कैसे हो तद अन्न तृप्त अशुभृत भी। तद अन्न तृप्त मैंने हविष्यान से तृप्त और अपने प्राणों को एक भरण पोषण करने वाले लोग हो, इंद्रियों को भरण पोषण करने वाले लोग हो, आप लोगों की तरह धूम वर्त भी तदन्न तृप्त ही अशुभृत भी। ये सब विशेषण एक दूसरे का है ना। हे पिता अस्मा विरासिता आश्रिता पदवे अनिमारी समृद्ध यो वो युष्मा का मान न संदित ये तो वहां पदवे यज्ञशाला से है। आप लोगों के लिए क्या यज्ञशालाओं में ही है सब कुछ। तो उसी ज्ञान से एक तन के द्वारा तृप्त होते हो। केवल ईड़िता धूमवर्त बुझंदे और धूमवर्त के धूम मार्गियों की तरह वो चीज का भोग होता है जिसको अर्थवाद में स्तुति किया गया स्वर्ग आदि होंगे। स्तुति मात्र है वो वास्तविक नहीं, उसी में तुम लोगों को रहना पड़ जाएगा। अवास्तविक आनंद में तुम लोग डूबे रहते हो और हम लोग अपना सर्वभूत वास्तविक परम आनंद में रहते हैं। इसलिए हमारे पद तुम्हारे लायक है ही नहीं। अव्यक्त लिंग अवधूत सेविता पदव्य अस्मदासिता का विशेषण है सब। हम लोगों के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो ऐश्वर्य कैसा है वो अव्यक्त लिंगा, क्योंकि उसका जो है नव्यक्तम लिंगम हेतु इच्छा मात्र प्रवत्ता इच्छा मात्र से अनिमा लगिमा अग्रिमा इत्य सगल ऐश्वर्य निष्पन्न हो जाएगा। और अवधूत मैंने ब्रह्मविद्वीर सेविता ब्रह्मविद्ताओं के द्वारा सेवित है। तो हम एवाड्य अरे हमको दरिद्र मत बोलो, हम लोग जैसे ऐश्वर्यवान पुरुष कोई नहीं। तुमने सोचा ना क्या है उसके पास आभूषण, सोना चांदी का कुछ पहनता है, हड्डी पट्टी का बना हुआ जिस पहन रखा रुंड माला पहन रखा है। तुम्हारा शंकर तो दरिद्र है, शिव जी को दरिद्र समझ रहा था, लेकिन शिव जी के समान कोई है नहीं अमीर। सदा परमानंद स्वरूप में रहते हुए सकल ऐश्वर्य जिसके जो संकल्प मात्र से उद्भव होने वाला है, यज्ञ कर्म के बिना ही स्वर्ग आदि को जो कल्पना करके अपने हृदय में रखा हुआ है, जो ऐसे दिव्य पुरुष को तुम कहते हो दरिद्र, वह तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। इसे तुम ऐसे सोचते हो। जैसे होता है ना, एक बार गुरु जी के पास संन्यास लेने का आदमी आया, उसे महाराज हमने सब कुछ त्याग के आ गया हूँ। गुरु जी ने कहा ठीक है बहुत अच्छा बात है, आपने सबको त्याग के आया है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये तो बताइए पहले आप क्या क्या था, कितना करोड़ रुपए बैंक में थी, कितना बड़ा मकान था, कितने गाड़ी घोड़े थे, एक दो तीन कितनी पत्नियां थी, कितने बच्चे थे तुम्हारे पास, मारे कुछ भी नहीं था। फिर तुमने त्याग किसका किया है, त्याग किसका किया तुमने, करे सब कुछ मैंने त्याग दिया। तो होता क्या है, व्यक्ति के अंदर स्वभाव है दूसरे के पास अपने पास नहीं है ना, अरे वो तो बेकार है। वो क्या कहेगा, कहता क्या चालाकी से वो, तो महाराज हमने इसको पहले से ही नहीं चाहा, इसलिए हमने इसको कहते ही नहीं कि पहले से चाह को ही त्याग दे, इन चीजों का चाह को ही हमने त्याग दिया। बचपन से ही एक धन दौलत पत्नी बच्चा कच्चा का चाह को ही मैंने त्याग दिया, तो मिला ही नहीं, भाग्य में दरिद्र है वो तो मिला ही नहीं, तो त्याग दिया। वही हाल कह रही है सती पिता को, तुमको ब्रह्मानंद मिला ही नहीं तो त्याग क्या उस चीज को, तुमको केवल जो यज्ञानंद हो, तुम्हारा नाम वास्तव में दक्ष नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नाम होना चाहिए यज्ञानंद महाराज, तुम यज्ञ में ही तेरा मन रहने वाला है और तेरे को ब्रह्मांड तो समझ में आने वाला चीज नहीं है। नहीं ते नते न हरे कृतादसो देहो भवे नाल मलं कुजन मना
व्रीडा ममाहुत कुजन प्रसंगत तज्जन्म धिग्यो माता मवध्यकृत। नैतेन देहे नालम, अब इस शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं, प्रयोजन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यह शरीर कहां से पैदा हुआ है? हरे कृतागसो देहोद्भवेन, हरे हरे उस शंकर भगवान के प्रति जो विद्वेष किया हुआ आदमी के शरीर से पैदा हुआ है, उसका देह से उद्भव है। हर से, हर में जो विद्वेष रखता, हरे मैंने सप्तमी आप, हर में विद्वेष भावना को, कृतागस मैंने विद्वेष भावना को रखने वाला पुरुष के का देह से उद्भवेन अलम, दो बार अलम इसलिए, पहले नैतेन देह न अलम ऐसे, और दूसरा अलम कुजन्म न अलम, ऐसे कुजन्म की व्यर्थता है यहाँ पर। व्रीडान बाबू कुजन प्रसंगता, अब मेरे को बहुत लज्जा हो रही है, क्यों? तुम्हारे से कुजनों की जो संग हो गया है, ममावुत तज्जन्म धिक यो महताम अवधिकृत, वह जन्म को धिक्कार है जो महापुरुषों के प्रति निंदा आदि करता है, महापुरुषों के दोष करने वाला है, विद्वेष करने वाला जो जन्म है ना, व्यर्थ ही है। कहते तुम तो कभी नहीं किया, मगर बाप किया ना। कहते ठीक है, क्या करो, बाप ने, बाप के नाम पर हमेशा हमको सुनना पड़ेगा। क्यों? जब भी मौका मिलेगा शिव जी यही कहेंगे, तुम तो वही दक्ष की बेटी हो, मेरे को सुनते रहना पड़ेगा जिंदगी भर, इससे अच्छा है मर जाना। आज संबंध तेरे से है ना, वो संबंध नहीं टूटेगा, वो हमेशा के लिए रह गया। वही कह रही है गोत्रं त्वदीयं भगवान दशध्वज दाक्षायणी त्यायदा सुदुर्मना व्यपेत नर्मक्षता उदीचिं स्मितमाशु तद्ध्यं विस्रक्ष एतद् कुणपं तदंगजम्। क्योंकि जय भगवान दशध्वज शंकर भगवान जो है, जब सुदुर्मना, जब कभी मेरा किसी व्यवहार को लेकर उनके मन में थोड़ा सा अनमनासा हो जाए, तब तक क्या बोलेंगे? हाँ, है तो आखिर में दक्ष की बेटी, तभी तो ऐसे कर रही है, आखिर में दक्षी तो बेटी होगी, मेरी पत्नी होने मास थोड़ी सुधरने वाली है, तो ऐसे ही रहेगी, ऐसा बार बार सुनाया करेंगे वो तो। जब जब जो है उनके ब्राह्मी स्थिति के अनुरूप में व्यवहार नहीं करूंगी, अनुरूप व्यवहार हो जाए, इसलिए करिए भगवान ऋषत जो यदा सुदुर्मना, जब उनका मन सुदूर हो जाए, दुर्मना नहीं बोला सीधा, सुदुर्मना, क्योंकि वो नष्ट निराश तो हो ही नहीं सकते, सदा प्रसन्न रहने वाले, लेकिन अप्रतिकूल व्यवहार जब होता है तो खिन्न होकर इतना जरूर कह देंगे, आखिर तो दक्ष का बेटी है ना, दाक्षायणी थी, आह त्वदीयमेव गोत्रं कृत्वा, या गोत्र से है गुरु शिष्य ब्रह्मराणी योनि, योनि तक गोत्र दो प्रकार का आया था ना, सिद्धांत का विचार आया हुआ है, गोत्र से दोनों ही लिया गया, जन्मता भी और गुरु परंपरा से, के जन्म को लेकर के त्वदीयं गोत्रं मे भगवान दाक्षायणी थी आह, तब क्या होगा मेरा दाल, तत् व्यपेत नर्मक स्मितमाश, मेरे मरो प्रदेशों में इतना पीड़ा पहुंचेगा, मेरा सारा अंगार तो समय डूब जाएगा, है तद ही अहम विसृक्ष, इसलिए ऐसा शरीर को मैं इसी समय जो कि तुम्हारे अंगों से जन, तद अंगजम तुम्हारे अंग से जन्य इस कुणपम इस एकदम क्षुद्र शरीर को मैं इसी समय त्याग दूंगी। मैत्री वाच अत्यंत दुखित चित्ता भवामी है ना, ये कहा भगत भगत एवं सुदुर्मना अति दुखित चित्ता भवामी, दोनों तरफ घटा सकते हैं ना, वृषभ दोनों जगह ले रहे हैं, तो सुदुखित मना यदा शिवा और सुखित मना वहमेव अस्मि यदा तदा हम विपेत नर्म अस्मितम यथा भवते हो भवति एवं सुदुर्मना अति दुख चित्ता भवामी तत्स्मादि निश्चितम एतद् कुणप्रायम विसृक्षे तिक्षामि इत्यर्थः। मैत्रेय महर्षि बीच में कब बोलने लगे, हुआ क्या, ऐसे कहकर उसने क्या की, उस बात को कथन करने जा रहे हैं। इत्यद्वरे दक्षमनुद्यशत्रुहन क्षितौ उदीचिं निशसाद शांतवाक् स्पृष्ट्वा जलं पीत दुगूलसंहृदा निमील्य दृग्योगपथं समाविशत् इति अद्वरे दक्षमनुद्य, इस प्रकार से उस यज्ञ मंडप के बीचों बीच खड़ी होकर दक्ष को अनुवादन करते हुए
हे शत्रुन, हे विदुर, विदुर के लिए संबोधन शत्रुन, कृत्ता छितौ उदीचिम, कहा शत्रुन छितौ उदीचिम निशिषाद, उत्तर दिशा में जाकर के वाणी को मौन करके जमीन पर बैठ गई। वही आसन वासन जो लोगों ने दे भी दिया था, कुछ लोगों ने उसको ही नहीं स्वीकार किया और जमीन पर बैठ गई। बैठ करके क्या की उसने, स्पृष्ट्वा जलम, और कैसे बैठी हो, पीत दुकूल समर का पहन के आई थी ना दुनिया भर, आप उसने साथ फेंक दिया है, साधारण पीले कपड़ा पहन करके बैठी हुई है। नील दृक योग पथंच समाविशत, जल से जल को हाथ में, जल से संकल्प करके, संकल्प करके आंखों को बंद कर लिया और योग मार्ग में प्रवेश कर गई। कृत्ता, क्या योग मार्ग में प्रवेश करेगा, क्या की उसने, इसका मतलब योग मार्ग प्रवेश करेगा मतलब क्या, वो स्पष्ट करते हैं। कृत्ता समाना वनिलो जितासना सोदान मुत्थाप्य चना विचक्रदः शनै हृदिस्ताप्य धियोरसि स्थितम् कंठाग्रोर मध्यम निंदितानयत। कहा देगे देखो, कृत्या समानो अनिलो, प्राण और अपान दोनों को समान कर दिया, अर्थात दोनों को नाभि चक्र स्थान पर स्थापित कर दिया। प्राण ऊपर रहता है उसको खींच के नीचे लाई, और अपान जो नीचे रहता है खींच के ऊपर ले आई, प्राण और अपान को नाभि स्थान में स्थिर कर दिया, एकीभूत कर दिया। फिर जितासना सोदनम सोदानम उताप्य, और आसन को जीती हुई तभी तो प्राणायाम कर पाई। पहले चितासना को लेना, श्लोक में अनुवय करने से लिख दिया, पहले चितासना आसन को स्थिर करके बैठ गई, उसके बाद प्राण और अपान दोनों को समान कर डाला। समान करने के बाद सोदान उत्थप्य चना चक्र था, और उदान वायु के सहित उन प्राण अपान आदियों को उत्थापन के वहां से ऊपर उठा के ले गई। कहां ले गई, शनि हृदय स्थाप्य, धीरे 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 लेकर के उसका हृदय स्थान पर लाके स्थापना कर दिया। सोदानम है ना उसका अनुभव, पूरा प्रदेश में स्थित उदान वायु को भी जो है उठा कर वहां ऊपर ले गई, और फिर वह हृदय से भी काले कंटा घोर मध्यम मध्यम अनंदिता अनयत, कंठ से ऊपर ले गए हृदय से थोड़े देर की, फिर हृदय से कंठ, कंठ से ऊपर भू मध्य में आज्ञा चक्र में पहुंचा दिया। किसने, अनिंदिता, जिसकी कभी निंदा हो नहीं सकती, ऐसी दिव्य सती ने इस तरह से उसको आनयन किया। अनयत एवं स्वदेहं महता महीयसा मुहुः समारोपितमङ्गमादरात् जिहासति तक्षरुषा मनस्विनी दधारगात्रे शैलाग्रधारणाम्। एवं स्वदेहं महता महीयसा मुहुः समारोपितमङ्गमादरात्, इस प्रकार से अपना वह शरीर को अग्नि को अर्पित कर दे रही है। कैसे, महताम महीयसा, महता मैंने पूज्य तमेन रुद्रेणा भी महीयसा, अत्यंत पूज्य रूपा, क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा भी माननीय थी ना वो सती, नहीं तो न क्या को विवाह करते उससे, अर्धांगिनी के रूप स्वीकार किए मैंने उसको, उसने मान किया है, इसलिए ये महताम महीयसा। दक्ष रुषा, सब तृतीयांतों को अनुय कर देना, दक्ष के प्रति रुष्ट हो करके रहने वाली, रुष्ट हो गई ये सो, उसने समारोपितम अंकम आदरा, अपने अंक में समारोपित कर दिया आदर भाव से, अर्थात अपने ध्यान का विषय बना लिया शंकर भगवान को, और अपने शरीर को जिहासती त्याग दिया। कैसे त्याग रही हो, मनस्विनी, त्यागने के लिए साधारण मन से संभव नहीं है, साधारण आत्महत्या करने के लिए लोगों को कितना, वो कुछ ना कुछ खा पी करके उठ जाते, वैसे मन से तो नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं होता किसी को भी, कोई नशा वसा दवा दुआ खा लेते हैं, दिमाग में फिर जो है गुस्सा एक लेकर के कूद पड़ता, करने के लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए। अब ये तो यौगिक मार्ग से त्यागना, योगाग्नि का निष्पादन करके उसमें भस्मीभूत कर देना, साधन बात नहीं, इसलिए विशेषण दे रहे हैं उस देवी को मनस्विनी। गात्रेशु, अपने शरीर में क्या कर दिया, अनिलाग्नि धारणाम दधार, अग्नि विशिष्ट वायु, प्रचंड वायु को धारण कर दिया। अनिलो
कहते इसलिए कह दिया टीका दोनों बटे पड़ा ना अन्य थे वायुक्त अग्नि धारण, वायुक्त अग्नि को धारण कर ले इस तरह से कि झटपट हो जाएगा। ये वायु ना हो तो अग्नि बढ़ता भी नहीं ना, अग्नि झटपट जल जाए इसलिए वायु सहकारी है, इसलिए सहकारी कारण सहित अग्नि को इस्तेमाल करके उसने शरीर को नष्ट कर दिया। तदस्व भर्तु चरणाम बुजासवम जगत गुरु चिंतयति न चापरम ददर्श देहो हत कलमशासति सद्य प्रज्ज्वाल समाधिनाग्निना। तदस्व भर्तु चरणाम बुजासवम अपना वास्तविक जो भर्ता भरण करने वाला और पतिदेव उनके चरण कमल रूपी अमृत को जगत गुरु है वो उसी को चिंतन करती हुई ना परम अन्य किसी की चिंता न करते हुए देहो हत कलमशासति सकल कलमश से रहित होकर के सद्य प्रज्ज्वाल समाधि नाग्निना उस परमात्मा का भी परमात्मा का निरंतर दर्शन करते हुए इस शरीर को जो है समाधि जन्य अग्नि के द्वारा जला कर राख कर दी। समाधि ना योग न क्या कौन अग्नि और ज्ञान अग्नि इसको तो स्थूल दृष्टि तय है और आध्या दृष्टिकोण से या सती कौन है, सती बुद्धि है विवेकशालिनी बुद्धि ब्रह्म विद्या को प्राप्त की हुई बुद्धि है उसको पूर्ण ब्रह्म विद्या प्राप्त है। आपने सुना पूरा प्रवृत्ति बोली रही थी वो अभी स्पष्ट बोल दिया वेद में देखो निवृत्त मारण प्रवृत्ति सारे को व्यवस्था सब कुछ जानती है वो ब्रह्मविद्या है और दक्ष द्रव्यमानी अहंकार है। आज तक बुद्धि को अहंकार बेवकूफ बनाए रखा था अब पता चल गया असली कहानी क्या है तो बुद्धि क्या करेगी उस अहंकार का संबंध को त्याग करके उस अहंकार के द्वारा प्राप्त सकल वासनाओं को जला देती है। वासनामय शरीर को जलाने का तात्पर्य वासनामय शरीर को उसने जला दिया और बुद्धि किस स्वरूप को ध्यान कर रही है इसलिए आत्मरूप को ध्यान कर रही है। अपने आत्म स्वरूप को बुद्धि ध्यान कर लगती है और अहंकार की तरह प्रदत्त सारी चीजों को नष्ट कर अहंकार से मिलाई गया बुद्धि के पास अहंकार के कारण से बुद्धि जो है उसके कहे आधार पर सारे जगत का व्यवहार करते कर दुनिया भर कचरा पेटी भर लिया था वासनाओं को। इसलिए वासना में शरीर जो हमारा है वो हमारे अहंकार से प्राप्त है और उस शरीर को अभिमान कौन कर रहे थे हमारी बुद्धि करती है और अब उस बुद्धि ने क्या किया उस वासना में शरीर को जला दिया कैसे समाधि जन्य अग्नि के द्वारा अर्थात ज्ञान अग्नि के द्वारा ज्ञान अग्नि दग्ध सर्वकर्माणि दाहिनी ज्ञान रूपी अग्नि को समाधि अग्नि ना कहा गया उस अग्नि के द्वारा सबको नष्ट कर दिया। हत कलमशा भी कह रहे सब विशेषण दे रहे क्षीण दे चा से कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे तत्पश्यतांखे भुवि चाद्भुतम् महत् हाहेत्य वाद सुमान अजायत हंत प्रिया दैव तमस्य देवी जहा वसुन के न सती प्रकोपिता केल प्रकोपिता सती देवी असुन जहो केन मने प्रजापति ना का मने प्रजापति उस प्रजापति के व्यवहार के द्वारा क्रुद्ध हो गई हुई वह सती देवी ने अपने प्राणों की इस प्रकार से जहो त्याग दिया यही उसका हास्य दैवदम ये उसका अपना प्राण कर्म भी था समझो हंता अस्य दैवतम। कुछ लोगों ने ऐसे कहा कर ठंडे हो गए लेकिन बाकी दुनिया में हाहाकार मच गया। पश्यताम खे भुवि चाद्भुतम् महद यमान अद्भुत घटना को देखते हुए आकाश मंडल में पृथ्वी में सब जगह क्या हुआ हाहा सुमान जाए हाहाकार मच गया सब लोगों ने कहा महान अनर्थ हो रहा है ऐसे सब जगह है। इसमें ये नीचे टिप्पण कर दिए हैं दो श्लोक बीच में था उन दोनों श्लोकों को यद्यपि मूल ग्रंथों में हटा दिया गया है लेकिन उसको भी पश्चाताप हुआ बाद में जब ऐसा दुर्घटना होने लगा तो उसको दुख भरी क्या हमसे हो गया बाद में समझ में आए तो दो श्लोक में पढ़ के सुनाऊंगा आगे बढ़ाएगा फिर बकरे का शरीर जब मिलेगा फिर उसे भी स्तुति करता है शंकर का खुश करेगा तो है ही है पश्चाताप हो रहा तो हुआ क्यों नहीं हुआ ही उसको तो कहा है हाँ अहो अनात्म महदस्य पश्यतो प्रजापतिर्यस्य चराचरम प्रजा
जहा वसून यत विमतात्मजा सती मनस्विनी मानम अभीक्षण हृति अभीक्षण अभीष्णमर्रति। अत्यधिक मान के योग्य थी वो, अभीष्णम मानम अर्रति, अतिशय मान के योग्य। कैसे ब्रह्मवादिनी कहा मिलेगी? और ऐसा पुत्री है, ब्रह्मवादिनी है, उसका अनादर कर रहा पिता है या नहीं? आप देख लो ना, उधर देव होती, वही आपने पहले कहानी सुना है, और करदम, उन्होंने पुत्र कपिल का अनादर किया, जाने ब्रह्मज्ञानी है। पुत्र रूप में हो चाहे पुत्री रूप में, उसे क्या फर्क पड़ना है? ब्रह्मवादिनी है तो उसका सम्मान करना ही चाहिए, चाहे पिता हो चाहे पितामह हो। वह आयु से वृद्ध होना वृद्ध नहीं माना जाता है, ज्ञान वृद्ध ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए चार प्रकार वृद्धों का वर्णन योगवासिष्ठ में आया है, चार प्रकार के वृद्धों का वर्णन। एक तो धन वृद्ध होता है, एक आयु वृद्ध होता है, और तीसरा कौन? तपो वृद्ध, और अंत में ज्ञान। आयु वृद्ध सबसे घटिया है, उससे अच्छा है धन वृद्ध, उससे अच्छा है तपोवृत्त, उससे सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान। और एक ज्ञान वृत्ता है एक तरह से, इसलिए कहते हैं मानम अभिष्णमुर्रति मनस्विनी सती आत्मजा विमतात्मजा। अभी विमता हो गई थी, उसकी बुद्धि जो है पिता के दुर्व्यवहार को देखते विमता हो गई है, ऐसी आत्मजा जहो असून तो अपने प्राण को त्याग दिया है। अहो अनात्म महदस्य पश्यतः प्रजापतिर पश्यतैव, प्रजापति को देखते देखते उसके आंखों के सामने में महान अनर्थ हो रहा है। यस्य चराचरम प्रजा, जिसके सारे प्रजा ही चराचर चराचर सब उसके प्रजा है, और उसके सामने से खुद की बेटी नष्ट हो रही है और वो विवेक नहीं कर रहा है। समस्त प्रजाएं चराचर सब कुछ उसी का है, हम सबका मालिक प्रजापति, और उसके अंग से जन्य पुत्री स्वयं नष्ट हो रही है, तो महान आश्चर्य तो होगा ही। अन्य का नष्ट होना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जैसे उसके अंगों के सामने उसी के जन्य नष्ट हो जाए। सोयम दुर्मर्श हृदयो ब्रह्म ध्रुप चलोके अपकीर्ति महतीम वाप्स्यति यदं गजान स्वाम पुरुष द्विज उद्यताम न प्रत्यषेदन मृदय पराधतः। स्वयं दुर्मर्ष हृदय, निश्चित से प्रजापति कैसा है? दुर्मर्ष हृदय वाला है, दुर्मर्ष हृदय। दुर्मर्ष हृदय का मतलब दुर्मर्षम ने अत्यसहनम हृदय यस्य, पर ऐश्वरी को बिल्कुल ही सहन करने की क्षमता नहीं है जिसका, ऐसा हृदय वाले को कहते दुर्मर्ष हृदय। ब्रह्म ध्रुप साक्षात ब्रह्म शिव का द्रोही है। लोके अपकीर्ति महती मवाप्स्यति, निश्चित रूप से सारी दुनिया में इसके महान अपकीर्ति होगा, इसे कोई संशय नहीं। क्यों? यद अंगजाम स्वाम, जो स्वाम अंगजाम, जो भी अपनी अंग से जन्या है, वह पुरुष दुष्ट आत्मद्रोही है। वह आत्मद्रोही ने क्या किया? यद स्वाम अंगजाम अपराधता मृतये उद्यताम, जो पिता के अपराध को देखते हुए मरने के लिए तैयार हुई है, उसको उसे रोका तक नहीं, न प्रतिषेधा, अतएव निश्चित रूप से उसकी अपकीर्ति होगी ही। वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा असुत्याग मद्भुतम दक्षम तत्पार्षदाहन्तम् उदतिष्ठन् उदायुधाः। इस तरह से आपस में लोग बात कर ही रहे थे, इतने में ही क्या हुआ गड़बड़ी? वदत्येवं जने सत्या, सत्या जने, सत्या जने एवं वदत्या, जब लोग इस प्रकार से सत्य वचन को कही रहे थे, असुत्यागम अद्भुतम दृष्ट्वा प्राण त्याग रूपी महान अद्भुत घटना को देख करके ये सत्य वचन कही रहे थे, इतने में ही दक्षम तत्पार्षदा, तत्पार्षद शिव के जो पार्षद उस समय जो उपस्थित थे, उन लोगों ने दक्षम मंतुम
उदायुदा सन उदतिष्ठन, वो आयुधों के ऊपर उठाए हुए उसको मारने के लिए चल पड़े। तेषामापदताम वेगम निशाम्य भगवान भृगो यज्ञघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः। लेकिन देखो पहले जमाने में कितना स्वामी भक्त होते थे। भृगु महर्षि यज्ञ का ध्वर्य था, उसको वर्ण किया हुआ है। अब यज्ञ का ध्वर्य का कर्तव्य है उस यज्ञ यजमान की रक्षा करना। यजमान की रक्षा करने के लिए शिव पार्षदों को जलाने के लिए उसने यज्ञ की आहुति दी। दक्षिणाग्नि में ऐसी आहुति दिया यज्ञ नाशकों के नाश करने वाला मंत्र का प्रयोग कर दिया। यज्ञ नाशकों के नाश करने वाला मंत्र दिया भी मंत्र का टुकड़ा ऊपर में तेनापतम रक्ष इत्यादि। उसको यज्ञान यज्ञघ्नान हंति थी यज्ञघ्नम, यज्ञ को नाश करने वाले को भी नाश करने वाला जो मंत्र, उसको लेकर के उन्होंने दक्षिणाग्नि में आहुति दे दिया। यज्ञघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः का भगवान भृगो, भगवान जो अत्यंत ऐश्वर्य से संपन्न था वो भृगु महर्षि, समर्थ भृगु है वो, क्यों ऐसे किया? तेषाम आपताम वेगम निशाम्य, शिव पार्षदों जो कि एकदम हावी हो रहे हैं, जो उनका जो है पूरी सेना एक तरह से जो सामने दौड़ से बड़ी तेजी से आता हुआ देख करके जो है उन्हें तत्काल ही उस मंत्र के द्वारा आहुति दे उन्हें रोकने के लिए, उनका नाश करने के लिए मंत्र प्रयोग कर दिया। इससे पहले यही पर एक श्लोक, दो श्लोक यही पर था, इसी जगह पर है ये। जब घटना होने लगता है तो वही दक्ष प्रजापति घबरा जाते हैं। अब उनका विवेक जगता, जो अहंकार था ठंडा पड़ गया। जब बुद्धि विवेक करेगी तो अहंकार क्या होगी? वासना में शरीर को त्याग दिया, अब अहंकार किस पर टिकेगा? वासनाओं के अगर आपको नचा रहा है ना अहंकार जो है आपकी वासनाओं को लेकर के नचाते रहता है, अब वासना ही नहीं रहे, अब अहंकार क्या करेगा? वो अपने आप जो है पश्चाताप करने लगता हो, आज तक मैंने जो है बहुत भारी भूल कर दिया था। वही नीचे श्लोक दे, दक्षस्त दृष्टा दुहितो स्वनिमित्तम विनाशनम बहुवदप्यत घोरेन मया स्वाधो कृतम बद। स्पष्ट कहता है अपनी बेटी को इस प्रकार से खुद के कारण से स्वनिमित्तम स्वदुहितु विनाशनम दृष्ट्वा, मेरे वजह से मेरी बेटी को नाश हो जाना पड़ रहा है, यह देख करके बहुअतप्यत बहुत ताप हो, घोरे न मया असाधु कृतम बद, मेरे द्वारा घोर मैंने महान अहंकारी होकर के मेरे द्वारा महान असाधु कर्म अवश्य किया गया। धिन्नाम अविजितात्मानम् निर्गुणम् निरपत्रपम् योऽहम् स्वीकृत्य मृदगम् व्यर्थमेनो महीयसि। व्यर्थ में अपने आप को महिमान्वित हो रहा था, कल मर जाने वाले शरीर को लेकर झूठा दुर्विमान में करते रहा। कितना बड़ा ये कर रहा है यहाँ पर, धिन्नाम अविजितात्मानम् धिक्कारे मुझे जो मेरा अपने अंतःकरण पर काबू नहीं रखा था, अविजित आत्मा हूं मैं, अंतकरण को जीतना जीता हुआ नहीं हूं और मेरे अंदर कोई गुण है ही नहीं, सदगुण नाम की चीजें ही नहीं है। निरपत्र पर बेटी मर रही देख रहा हूं मैं, निर्लज हूं। योयम स्वीकृत्य मृतकम, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने मृतक शरीर आदि का अभिमान स्वीकार करके रखा था। एनो महीयसी व्यर्थम मेनो महीयसी, व्यर्थ ही जो है मैं पाप से महिमानित हो रहा था, ये न पाप का वाचक है। इस प्रकार से पीछे दो श्लोक है, वो पक्ष पश्चाताप करने लगा था, अब इसी बीच जब वो पश्चाताप करने लगा तब भृगु ने जो आहुति दिया, क्योंकि लड़ने को आगे नहीं बढ़ रहा है दक्ष प्रजापति, लड़ने को आगे बढ़ा नहीं, लड़ाई लड़ने चालू कर देता फिर तो भृगु कुछ नहीं करते, वो पश्चाताप करते हुए ठंडा पड़ गया। अब देखो भृगु तो बड़ा गड़बड़ हो गया, यज्ञ नष्ट हो जाएगा बीचों बीच में, वो तो मार डालेंगे इसको,
अब उसका अपना कर्तव्य उसने यज्ञ को रक्षा करने के लिए यजमान की रक्षा करना जरूरी हुआ तो यज्ञ ग्रहग्रह मंत्र का प्रयोग उसने प्रयोग कर दिया। अध्वर्युणा हुयमाने देवा उत्पेत रोजसा रिभो नाम तपसा सोमम प्राप्ता सा शशह। हजारों देवता लोग धैर्य धैर्य ऊपर से नीचे आए उन पार्षदों से लड़ाई लड़ने की। इस मंत्र की विशेषता है जो अमृत को पान किए हुए सोम को पान किए हुए लोग आएंगे वो तो मरेंगे ही नहीं, ये उनको मारेंगे तो फिर भी वो जिंदा होते रहेंगे, गला काट देंगे फिर भी वो जिंदा हो जाएंगे क्योंकि सोम को पान किए हुए। ऐसे देवता लोग आह्वान कर दिया गया और सब पहुंच गएगा, भयंकर लड़ाई छड़ेगा, वो तो मरने को है नहीं और ये मरे जाएंगे ये भी कम नहीं, शिव के पार्षद सब सिद्धियों से युक्त है, हाथ कटे खोपड़ी कटे एक दूसरे को जिंदा करते रहेंगे तो फिर एक दिशा दोनों तरफ से लड़ाई होती रहेगी, बड़ा मुश्किल काम है। तो वही कह रहे हैं अध्वर्युण हुए माने जैसे अध्वर्य की तरह हवन किया गया तत्काल ही क्या हुआ देवा ओजस उत्पेत हो, देवता लोग बड़ी ओजस के साथ ऊपर गिर पड़े ऊपर से। कौन? रिभवो नाम, रिभु नामक का अनेको देवता लोग रिभवा तपसा सोमम प्राप्त सहस्रशः, एक दो नहीं हजारों की संख्या में जिन्होंने तप के द्वारा सोम को प्राप्त किए हुए थे ऐसे देवता लोग उतर आए। अब यहां देखिए विशेषता बारंबार क्या होता है, ब्रह्मज्ञान के बाद प्रारब्ध कर्म से शरीर चलता है ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर। प्रारब्ध कर्म की वजह से क्या होता है शरीर चलता है, शरीर जिंदा रहेगा, जब शरीर जिंदा रहेगा प्रारब्ध कर्म की वजह से शरीर के अंदर पाप कर्म भी होगा पुण्य कर्म भी होगा। अब यहाँ पर रुद्र पार्षद क्या है, एक उग्र रूप है और ये देवता का ये देवा ये सदगुण रूप है, सात्विक और रजोगुण तमोगुण वृत्तियों का आपसी लड़ाई प्रारब्ध कर्म काल में भी चलते रहेगा, एक दूसरे को अभिभूत करने की चेष्टा करेंगे लेकिन दोनों भी अभिभूत नहीं होंगे। विलक्षणता यह है कि ब्रह्म ज्ञान के पश्चात कोई एक दूसरे को नाश करता नहीं, इसे दोनों ही अमर है। क्या रहता है ये स्वभोग काल पर्यंत रहकर नष्ट होगा, तब तक कर्म के भोग काल पर्यंत रह करके प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है, यहाँ पर भी होगा। अब इसने क्या करना पड़ेगा, शंकर को अलग से छोड़ना पड़ता है, जठा को काट वीरभद्र को भेजेंगे हैं चोटी वाले बाबा उसके बिना तो नहीं होगा ना, अब उसमें भी नारद जी का तो काम है, ये नारद जी के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं होना है, नारद तो ज्ञान है, कोई भी चीज का घटना कोई भी कार्य होने तो ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान के बिना कुछ भी करने की इच्छा नहीं जग सकती, इच्छा के बिना प्रयत्न नहीं होगा, प्रयत्न के बिना कार्य सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए हर जगह पीछे ज्ञान झट से नारद जी टपक जाते हैं। तद कार्य अनुकूल ज्ञान प्रदान करने के लिए आवश्यक तैरलायुतायुध सर्वे प्रमता सहगुह्यगा हन्यमाना दिशो भेजोर उषद्भिर् ब्रह्म तेजसा तैर अलायुत आयुधों के द्वारा अलात आयुधी सर्वे प्रमता सहगुह्यगा सबके सब कैसे प्रमथ ही है, महान उत्पात करने में समर्थ, बड़े से बड़े सेना को लट पलट करने में समर्थ वाले तो प्रमथा, और गुह्य का पता भी नहीं चलता है, सामने है दिखा नहीं देगा मार डालेगा, गुह्य का मैंने रहस्य में शरीर धारण कर युद्ध करने में भी कुशल, ऐसे शिव के पार्षद के साधारण नहीं है सब। गुह्य का प्रमथा सर्वे तई अलातायुधी अलात आयुधों के द्वारा सब के सब हन्यमाना दिशो भेजो उषद भी ब्रह्म तेजसा अपने ब्रह्म तेज के द्वारा उषद भी दे दीप्यमानी दिशो भेजो सभी दिशाओं में चारों तरफ जो भगदड़ मच गया, सब एक दूसरे को हनन किए जा रहे हन्यमाना एक दूसरे को नाश करते हुए सभी दिशाओं में जो है इधर उधर वो भगदड़ मचा दिए चारों तरफ फैल गए। लेकिन ब्रह्म विद्या का सामर्थ्य होता है